अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुण सेब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप पेजिनेशन, जिसमें हम देखेंगे कि पेजिनेशन बूटस्ट्रैप के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम स्टाइल दे सकते हैं। पेजिनेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास वेबसाइट में अगर जो अलॉट ऑफ पेजेस जो मौजूद होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको नंबरिंग देने के लिए हम लोग पेजिनेशन को यूज़ करते हैं कि हम ईच जो हमारे पास पेज है उसको एक नंबर असाइन करेंगे और उनको आपस में हम लिंक कर देंगे कि अगर हम फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पेजिनेशन को यूज़ करेंगे। तो बेसिक पेजिनेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो इसके लिए क्लास है वो डॉट पेजिनेशन की है और इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ करते हुए पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में जो पेजिनेशन बेसिकली नज़र आती है वो जिस तरह आपको इस एग्जांपल में दिखाया गया कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको आपस में लिंक किया गया है और इन ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है पेजिनेशन की। इस चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि पेजिनेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने डिव क्लास ली जिसमें कंटेनर दिया है और उसमें मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है और उसको मैंने क्लास से दी है पेजिनेशन की। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्टेड आइटम्स क्रिएट किए हैं और उनमें मैंने एंकर टैग्स ऐड किए हैं। एंकर टैग्स जो मैंने क्लोज किए हैं उनमें मैंने जो नंबर से दिए 1, 2, 3, 4, 5 और रेफरेंस में आप यहाँ पर अपने वेब पेजेस के लिंक्स दे सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी डमी जो लिंक्स हैं वो क्रिएट किए हैं। तो इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि किस तरह किसकी आउटपुट आ रही है। तो हमारे पास ये पेजिनेशन क्रिएट हो गए, यानी कि क्लिकेबल लिंक्स बन गए और ये हमारे पास पेजिनेशन आ गई। अब जब हम इनके साथ डिफरेंट पेजेस को लिंक करेंगे तो ये उन पेजेस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे जब हम इनको क्लिक करेंगे। पेजिनेशन के आगे अगर हम देखें तो इसमें दो स्टेट्स हमारे पास आती हैं, एक्टिव स्टेट और डिसेबल स्टेट। एक्टिव स्टेट शो करते हैं आपके कि आप किस करंट पेज के ऊपर मौजूद हैं। इसके लिए हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो एक्टिव क्लास यूज़ करेंगे जिससे यूज़र को पता चलता है कि वो कौन से पेज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो डिसेबल स्टेट है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिंक है वो क्लिकेबल ना हो तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं पेजिनेशन में, तो उसके लिए हम लोग जो क्लास यूज़ करेंगे वो एक्टिव और डिसेबल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हमने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्टेड आइटम के अंदर ऐड करना है। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास लिस्टेड आइटम है इसको क्लास दे देती हूँ एक्टिव की। और जो मेरे पास लास्ट वन है इसको मैं क्लास दे देती हूँ डिसेबल की। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास जो है ये हमारे पास जो फर्स्ट वन आ गया वो एक्टिव में आ गया और जो लास्ट वन है इसको डिसेबल कह देंगे। तो मेरे पास जो लास्ट वन है ये डिसेबल हो गया क्योंकि मैंने इसमें क्लास के दे दी है डिसेबल की। नेक्स्ट है हमारे पास पेजिनेशन साइज की। पेजिनेशन जो हम ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं इनके साइज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के साइजेस हैं, फॉर लार्जर ब्लॉक्स और फॉर स्मॉलर ब्लॉक्स। तो अगर हम लार्जर ब्लॉक्स के लिए काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर पेजिनेशन एलजी की क्लास यूज़ कर लेंगे और अगर हम स्मॉलर ब्लॉक्स के लिए काम करना चाह रहे हैं तो हम पेजिनेशन एसएम की क्लास यूज़ कर लेंगे। इन दोनों क्लासेस को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी डिव क्रिएट है, एक और डिव यूज़ कर लेती हूँ जिसमें मैं यहाँ पर पेजिनेशन के बाद दे दूँगी क्लास पेजिनेशन एसएम और फर्स्ट वन को मैं क्लास दे देती हूँ पेजिनेशन एलजी। इनको सेव करते हैं और इनकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास ये फर्स्ट वन जो है ये लार्जर साइज में आ गई है पेजिनेशन जो क्रिएट की है और जो सेकंड वन है वो स्मॉलर साइज में आ गई इसकी आउटपुट। पेजिनेशन के बाद अगर हम ब्रेड क्रम्स को देखें तो ब्रेड क्रम्स भी क्या है, पेजिनेशन की एक फॉर्म है।
इसको ऐड करने के लिए हम लोग जो क्लास यूज़ करेंगे वो डॉट ब्रेडक्रम्स की है, जो कि यूज़र को बताता है उसकी नेविगेशनल हायरार्की, क्योंकि वो करंट पेज में मौजूद है तो उससे जो पीछे वो जितने पेजेस स्क्रॉल करके आया हुआ है, ये जितने पेजेस को क्लिक करके आया है, वो किस कौन कौन से पेजेस हैं। यहाँ पे इसको क्लास से देते हैं ब्रेड क्रम्स की, और यहाँ से क्लासेस रिमूव कर देते हैं। इसको सेव करेंगे और इसके आउटपुट चेक करेंगे तो ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स के स्टाइलिंग आ गई है। और अगर मैं इसकी क्लास ये वाली एक्टिव कर देती हूँ लास्ट वन, पेज को सेव करके दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगा।